गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर मालती माझी फ्रॉम ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर। आई एम फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसेल्स फंक्शन। बेसेल्स फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं बेसेल्स इक्वेशन। इक्वेशन इसका क्या था, d2 x² d2 y/dx² + x dy/dx + x² - n² y = 0। दिस इज इक्वेशन वन। इसके सॉल्यूशन हम लोग कल प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुके थे कि उसके जो सॉल्यूशन है उसी को हम लोग बेसेल्स फंक्शन कहते हैं। कब कहेंगे उसको, आज हम लोग देखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या था, फॉर दो रूट्स थे, एक एन और दूसरा माइनस एन। एन एन एम इक्वल टू एन पुट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये निकला था, ठीक है। तो वाई इक्वल टू उसका एन टर्म क्या होगा, a₀ x^n (x⁻⁶) क्योंकि ये दो उसके बाद चार हो जा रहा है, मतलब x^2r, r = 0 to ∞। एंड ये चार जो है, ये पहले चार है उसके बाद चार का स्क्वायर हो जाता है (2), मतलब एक फैक्टोरियल r तो रहेगा ही, ऊपर 2r मतलब ये जो दो दो करके बढ़ रहा है, ठीक है। और n+1 n+2 and so on to n+r, ठीक है। ये जनरल जो rth टर्म हम लोग निकाले, ये बेसेल्स इक्वेशन हम लोग जो निकाल चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, इसका हम लोग rth टर्म निकाले, ठीक है। अब जो हो गया, जहाँ हम लोग देख चुके थे a₀ क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इफ़ a₀ = 1/2n गामा फंक्शन ऑफ n+1, यदि a₀ का वैल्यू ये टर्म पुट करते हैं तो हम लोग ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे बेसेल्स फंक्शन। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू ये पुट करते हैं 1 / n गामा फंक्शन n+1, तभी हम लोग इस सॉल्यूशन को कहेंगे बेसेल्स फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं jnx, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस jnx जो है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। गामा फंक्शन हम लोग जानते हैं, ये गामा फंक्शन n+1 = (n) होता है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो jnx का वैल्यू क्या होगा, -1r(x/2n+2r) ये इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है। इसको सिंप्लीफाई, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इक्वेशन हम लोग को मिलता है। ये हम लोग का क्या है, बेसेल्स फंक्शन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब j n का वैल्यू यदि 0 पुट, इफ़ n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो j₀x का वैल्यू निकलेगा j, और इसको हम इस सीरीज में फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेन n = 1 पुट करते हैं तो हम लोग को ये फॉर्म निकलता है, एक सीरीज फॉर्म निकलता है। दोनों को यदि हम लोग ग्राफ फ्लोट करते हैं j₀ और j₁ का वैल्यू, तो इस तरह का ग्राफ आता है। इसका जो एम्पलीट्यूड है ये एक्स के वेरिंग एक्स के साथ डिक्रीज होते जा रहा। अब सेकेंड सॉल्यूशन के कब बनेगा, व्हेन रिप्लेसिंग एन बाय माइनस एन। हमारा दो रूट्स था एन और माइनस एन, एन के लिए हम लोग को जे एन एक्स जो बेसेल्स फंक्शन है ये हम लोग को मिलता है, ये। और इसी में हम लोग n की जगह -n पुट करते हैं तो हम लोग का सॉल्यूशन मिलता है ये, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन और बेसेल्स इक्वेशन क्या हो गया, y = a(jnx) + b (-nx), ये हम लोग का फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन है बेसेल्स इक्वेशन का, ये हम लोग फाइनल सॉल्यूशन है। आज के लिए इतना ही।